बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर आपको 10th क्लास की जितनी भी पेयरिंग स्कीम्स है पेपर की, पेपर पैटर्न और कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और सिर्फ आप लोगों ने किन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपने पूरा साल तैयारी की है तो आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते जब तक आप लोग इस पेपर स्कीम को फॉलो नहीं करते। तो ये पेपर स्कीम आप लोगों को सबसे पहले दिख रही है फिजिक्स की, यहाँ पर दिख रही है हर चैप्टर में से कितने एम सी क्यूज आने हैं और हर चैप्टर में से कितने आप लोगों को जो है वो एम सी क्यूज आएंगे इस साल और पिछले साल की तरह। इस साल जो है वो आपकी पेपर स्कीम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली भी की गई है। आप लोग फाइनल पेपर स्कीम जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपके एमसीक्यूज थे, नीचे यहां पे आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। सो सबसे पहले आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको बताऊंगा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर के अंदर से करने हैं। तो यही आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न होगा और इंशाल्लाह हर साल की तरह जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की है और हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह बहुत एडवांटेज होगा। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा, उसमें से आपने 5 करने होते हैं, 7 या 8 आते हैं। सो चैप्टर नंबर 14 है आप लोगों का, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, आई थिंक ये वाटर वाला चैप्टर है, हार्ड और सॉफ्ट वाटर वाला। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, इसमें से 2 आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तमाम बुक्स की जो पेपर स्कीम्स है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये चीजें आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आपने कहाँ से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो शॉर्ट क्वेश्चन का अगला पोर्शन होगा हमारा। सो वो आएगा भाई 5 ही आप लोगों ने इसके अंदर से भी करने हैं और टोटल 10 नंबर का ये आप लोगों का पोर्शन होगा और टोटल जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ना वो आप लोगों के लिए होगा, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है 48 नंबर का और एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे 12 नंबर के। टोटल 60 नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा, इसके बाद केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का और इस्लामिक इंग्लिश, सारी की सारी पेपर स्कीम जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं भाई। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 जो है आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 16 है आप लोगों का, इसके अंदर से आप लोगों को इस साल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसी हिसाब से इंशाल्लाह आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप सेलेक्ट कर लें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट पेपर्स जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो 8वीं क्लास के गेस्ट पेपर्स हैं ओरिजिनल पेपर वो अपलोड हो चुके हैं और जो बाकी क्लासेस हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बताएं कि आप किसके बारे में क्या राय है, सबसे पहले किस क्लास के अपलोड करने चाहिए। सो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के टोटल 18 नंबर के आने हैं। सबसे पहला आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर से 4 नंबर थ्योरी के आएंगे और 5 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल होगा। सो पहला जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, वो आएगा भाई आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 और न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 या 16, जिसका ए पार्ट होगा या तो चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 12 और 16 में से न्यूमेरिकल आएगा, और उसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 से ही आएगा, ये कन्फर्म है, वो न्यूमेरिकल ही आएगा। तो मोस्टली यही होता है कि भाई आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 में से पहला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के। चैप्टर नंबर उसके बाद अगला लोगों का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 और 13 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, चैप्टर नंबर 17 में से थ्योरी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का 7वां लोगों का क्वेश्चन होता है, मतलब तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 और 15 में से होगा और थ्योरी आएगी ये, और चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी। चैप्टर नंबर 18 के और चैप्टर नंबर आप लोगों को मैंने बताया है 12 के न्यूमेरिकल कर लो भाई, आप लोगों के न्यूमेरिकल का सेक्शन क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर आपके फिजिक्स के पक्के हो जाएंगे इसी से। अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स की जो पेपर स्कीम है आप लोगों के लिए,
मैथमेटिक्स की प्रेफरेंस की है, मतलब चैप्टर कौन से चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है या आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट वेज का ले सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3, चैप्टर नंबर 2 में से आपके 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का ये पोर्शन होगा और आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे टोटल आप लोगों के लिए जो है वो 12 नंबर के, और सॉरी ये 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ये आपके टोटल आएंगे आई थिंक 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और टोटल 75 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे मेंशन हो गया। उसके बाद चलते हैं भाई, आप लोगों के लिए 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, टोटल 12 नंबर के होंगे और पहले में से 3, तीसरे में से 3, दूसरे में से 3। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, इसके अंदर से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 3। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, सो चैप्टर नंबर 7 में से 4, चैप्टर नंबर 8 में से 1, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से 1 आपका आएगा। अभी बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, लॉन्ग क्वेश्चन बड़े ही आप लोगों के लिए आसान है, चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से दूसरा पार्ट, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ तक मुकम्मल, ठीक है, पहले दो चैप्टर कर लो आपके 8 नंबर पक्के। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से, पहले 4 चैप्टर कर लो आपके 16 नंबर पक्के लॉन्ग में से। उसके बाद आप लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 2 आपने करने ही करने हैं, या तो आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सवाल, 4 सवाल हैं, आपने इनमें से सिर्फ 2 करने हैं और 8वां जो क्वेश्चन होता है थ्योरम ये आपने लाजमी करना होता है, या तो चैप्टर नंबर 9 या तो चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 इसमें से आपने सिर्फ एक चैप्टर के थ्योरम करने हैं। अब कौन सा थ्योरम आएगा वो इंशाल्लाह जब गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर आपको 2 थ्योरम बताए जाएंगे और उसी के अंदर से आपका सारा सारा पेपर आएगा। जो भी बात करते हैं नेक्स्ट है हम लोग पेपर स्कीम के हवाले से कि केमिस्ट्री की पेपर स्कीम जो है वो क्या आएगी। सो मैं जल्दी जल्दी से जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग जो है यहां से या तो वीडियो पॉज कर लें या तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में एंड पे मैं आपको डाउनलोड का लिंक भी बता दूंगा कि आपने इसका डाउनलोड जो है वो कहां से करना है। सो अभी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे सारे का सारा दिखा देता हूं। सो ये इसके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस और भाई ये इसके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इसके आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने उनमें से सिर्फ 2 करने हैं। सो गाइज आप लोगों ने 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ 2 जो इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप लोग पहले 4 चैप्टर रेडी कर लो, 9वां, 13वां, 10वां, 15वां आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी की पेपर स्कीम है, बायोलॉजी की पेपर स्कीम आप लोग स्क्रीन पर भाई देख सकते हैं, बड़ी ही कह दें कि अच्छे तरीके से इसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे आपको पेपर देने से पहले ही तमाम चीज़ें पता चल गई हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल आप लोगों का जो नंबर होता है वो आई थिंक 60 मार्क्स का जो है ये नंबर पेपर होगा आप लोगों का बायोलॉजी का। सो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर साइंस की पेपर स्कीम हो गई, भाई ये एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन का नीचे पोर्शन जो है वो दिया गया है। सो ये पेपर स्कीम, इस्लामियत की पेपर स्कीम आ गई, ठीक है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितनी हदीसी आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आने हैं नीचे मेंशन है। इसी तरह इंग्लिश की पेपर स्कीम किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल के, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश की पूरी पेपर स्कीम मिल रही है। 19 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, उसके बाद 5 नंबर के आप लोगों को इंग्लिश वर्ब वाला पोर्शन आएगा और ये आपके पेज हैं, इसी पेज में से सारा आएगा, ये आपकी ग्रामर होती है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके 163 से लेके 168 पेज नंबर तक रेडी कर लो, इसी में से आपका पेपर आएगा सारा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को जो गेस्ट पेपर हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उन्हीं गेस्ट पेपर में से आपका राउंड बोर्ड सारा पेपर जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद गेस्ट पेपर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और ईद तक या ईद के बाद तक आप लोगों को सारे गेस्ट पेपर जो है मिल जाएंगे और इंशाल्लाह जो अगर ओरिजिनल पेपर भी मिलते हैं जैसे 8वीं क्लास के ओरिजिनल पेपर हमें मिले हैं तो अगर वो पेपर भी मिलते हैं तो इंशाल्लाह वो पेपर भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह तमाम बच्चे पास हो जाएंगे अच्छे तरीके से। सो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।